वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोषर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोषर में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक राशन कार्ड धारी हैं, आपके पास कोई भी राशन हो, चाहे वो आपका PHH हो या AAY हो, तो आप किस तरह से चेक कीजिएगा कि आपका राशन कार्ड अभी तक एक्टिव है या नहीं। अगर आपका राशन कार्ड इनएक्टिव हो चुका है तो आप अब राशन का उठाव नहीं कर सकते हैं, तो इसको चेक करना बहुत ही आसान है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में हो या लैपटॉप में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको करना क्या, आपको सर्च बार में टाइप कर देना होगा NFSA। आपको यहाँ पे NFSA लिख लेने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा NFSA। आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऊपर में 3 लाइन देखने के लिए मिल रहा है। आपको क्या करना है, 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर से 3 लाइन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राशन कार्ड वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो नीचे वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। डेस्कटॉप मोड पे करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर पे आपको जो 3 डॉट देखने के लिए मिल रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इसको क्लिक कर देना है। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत के जितने सारे स्टेट है, सारे स्टेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप जिस स्टेट के हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप मैसेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल गया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको राइट में 3 डॉट देखने के लिए मिल रहा है, आपको क्या करना है, ये 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, ई सिटीजन। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है सर्च योर डिजिटल राशन कार्ड डिटेल्स। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है चेक राशन कार्ड स्टेटस। तो यहाँ से आप अपने राशन कार्ड स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि आपका राशन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो राशन कार्ड का नंबर है, वो राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है, ये कैप्चा कोड को आपको इस वाले बॉक्स पे फिल कर देना है और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग इनको फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर और कैप्चा दोनों को फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने जो आपका रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो कार्ड का स्टेटस है वो सारा स्टेटस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका कार्ड का प्रकार भी देखने के लिए मिल जा रहा है, उसके बाद कार्ड होल्डर का नाम देखने के लिए मिल जा रहा है, उसके बाद फादर का नाम, हेड ऑफ फैमिली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारा डिटेल्स है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपका आधार नंबर भी देखने के लिए मिल जा रहा है, आपका राशन कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है कि आपका KYC है या नहीं है। तो यहाँ पे आपका देखने के लिए मिल जा रहा है KYC डन, यहाँ पे आपको यस देखने के लिए मिल जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो राशन कार्ड का स्टेटस है वो स्टेटस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है एक्टिव, मतलब आपका जो राशन कार्ड है वो एक्टिव है, वो अभी इनएक्टिव नहीं हुआ है। अगर आपका राशन कार्ड इनएक्टिव हो जाता तो आपको राशन नहीं मिलता। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप घर बैठे चुटकियों में आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नहीं आए तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।